Building material update and building tips. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्त्री लियाकत अली। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, आज हम ये 4 इंची दीवार बनाने वाले हैं। इसके साथ ये हमारे पड़ोसियों की दीवार है, तो इसके साथ ही हम 4 इंची दीवार एक और बनाना चाह रहे हैं। तो उसकी जो बेस है, हम किस तरह से बना रहे हैं, ये हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और ये बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही मजबूत बेस बनने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और मेरे चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल पर सेट कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आपको दिखाते हैं कि हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं बुनियाद भरने का। तो ये देखो दोस्तों, ये हमने एक खड्डा जो है ये भरा हुआ है, और एक वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा ये भरा हुआ है। तो हम आपको बताते हैं कि हमने कैसे कैसे इसका प्रोसेस बनाया है। ये देखें दोस्तों, ये हमारा 9x9 का एक खड्डा हमने बांस बोकी, जिससे बोरिंग वगैरह करते हैं, तो उसके बांस बोकी के हिसाब से हमने पूरा बोर करवाया। यानी ये हमारा बोर जो है, ये तल जो जिसको हम बोलते हैं, यानी पक्का तल, उसके ऊपर रखा है हमने। तो ये हमारा जो बेसिकली है, ये 4.5 फिट है, और ये खड्डा भी हमारा जो है ये 4.5 फिट है। तो इसके अंदर हमने सरिये को इस तरह, ये जो सरिया है इसको ऐसे मोल्ड किया, मोल्ड करके हमने नीचे रखा है, यानी एल टाइप करके। तो उसको हमने एक इस तरफ रखा है, एक उस तरफ रखा है। इस सरिये का हमने जो सिरा है वो इस तरफ कर दिया, और उस सरिये का सिरा हमने, ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये वाला सरिया आ गया, ये इस तरफ आ गया, और ये इसके ऊपर चढ़ गया, ठीक हो गया। और ये वाला जो सरिया है, ये इस तरफ जाके उसके ऊपर चढ़ गया। तो दोस्तों, ये से टोटल जो ये सरिया हमारा लगा है ये मुकम्मल बुनियाद के लिए, ये सिर्फ 46 kg लगा है, यानी 46 किलो सरिया हमारा लगा है। और इसमें जो हमारी कंक्रीट लगने वाली है वो मैक्सिमम जो है 40 फिट लगने वाली है, और 4 बोरियों को जो हमारा मैक्सिमम जो मिसाल है, या ज़्यादा ज़्यादा 5 बोरियाँ गले, ये हमारा लगने वाला है। और उसके बाद दोस्तों, हम ये जब कम्प्लीट हो जाएगा इसको बराबर करके, और उसके बाद दोस्तों हम ये जो हमारा ये खाली एरिया, ये मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारा खाली एरिया, तो इसके ऊपर हम 4 सूत्र का एक सरिया ऐसे रख देंगे, और ये दूसरा हमारा खाली एरिया है, ये हमारा इस तरफ यहाँ पर भी एक सरिया रख देंगे। और उसके बाद दोस्तों हम यानी यूँ कह ले, इस प्रोसेस में हमारी जो है दीवार आ जाएगी, यानी बीम आ जाएंगे ऐसे, यानी ज्वाइंट हो जाएंगे। तो उसके बाद जो हम इसके 4 इंची जो है एक और बीम डालेंगे, इस बीमों के ऊपर जो मुकम्मल एक बीम होगा उसके ऊपर भी हम एक सरिया रखने वाले हैं, और उसकी जो आर्क होगी वो यानी मुकम्मल 45 फिट की होगी। यानी वहाँ से हम 0 पे रखेंगे, वो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हम 0 रखेंगे, और उसके बाद उसको दीवार में भी 0 रखेंगे, और सेंटर से हम तकरीबन 1 फिट उठा देंगे, यानी यहाँ से आके हम इसको जो है सरिया हमारा यहाँ तक आ जाएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये नीचे 5 रद्दे हैं, 1 रद्दे की हम रोड़ी डालने वाले हैं, और उसके ऊपर हमारा जो ये कंक्रीट है ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा। तो ये दोस्तों मैक्सिमम जो हमारी कॉस्ट आने वाली है, इसके ऊपर टोटल सिर्फ 10,000 रुपया कॉस्ट आने वाली है, यानी जिसमें सरिया, सीमेंट, बजरी वगैरह टोटल है। ये अभी अनकम्प्लीट है, ये देखें, ये दोस्तों हमारे जो नीचे हैं ज़मीन के बराबर, यूँ कह लें जहाँ तक हमने रोड़ी डालनी है, यहाँ तक खड्डा हमने ये भी भर दिया है, और ये भी हमने भराई कर दी है, और उसके बाद ये भी हमारा खड्डा भराई हो चुका है। यानी टोटल हमने 45 फिट हमारा जो ये वहाँ से लेके उस दीवार से यहाँ तक 45 फिट है, और इसमें जो हमारे टोटल खड्डे लगे हैं, यानी 7 खड्डे लगे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये टोटल दोस्तों 7 खड्डे लगे हैं। 7 खड्डे हमने 9x9 के लगाए हैं। इसमें दोस्तों 2 बोरियां जो हमारी नीचे वाले जो खड्डे हैं इनमें लगने वाली हैं, और 2 बोरियां ही हमारा 4 इंची जो ऐसे लंबा बीम आएगा 1 फुट ऊंचा, तो 2 बोरियां हमारी मैक्सिमम, उसमें 2 से 2.5 बोरियां लगेंगी मैक्सिमम। तो ये हमारी जो स्लैब है ये कंप्लीट हो जाएगी, यानी बीम जो है हमारा तैयार हो जाएगा। और इसके ऊपर दोस्तों आप घर बनाएं, जो मर्जी बनाएं, इंशाल्लाह किसी किस्म का डाउट नहीं आएगा। ये देखें दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा जो फ्रेम है ये तैयार हो जाएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके ऊपर जो हम फैनली में जो सरिया रखने वाले हैं, वो मिसाल के तौर पे ऐसे हम आर्क में रखेंगे, ठीक है। यहाँ हमारी बाहर की दीवार आ गई, ये भी हमारी जो है बाहर की दीवार आ गई, तो ये दीवार के ऊपर हम ऐसे आर्क रख देंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा।
तो इंशाल्लाह ये जो आपकी यानी हमारा जहाँ पर ये हमारे बीम जो बीम है हमारा ये पर हमारा बीम आ जाएगा और ऐसे हमारा जो कवरिंग में एक फिट में ये हमारा बीम आ जाएगा। ये हमारा कवरिंग बीम जो है ये ऐसे तैयार हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही ये हमारा बीम कंप्लीट होगा दोबारा से आपको इसका जो वीडियो है वो अपलोड कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।